CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 के छात्रों के लिए कार्यक्रम चुस्त और सुस्त। आलेख भगवान दास वधवा का है और इसे प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर LG सुमित्रा। हाँ तो बच्चों, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तुम चुस्त हो या सुस्त? बोलो। हाँ हाँ, क्या तुम सुस्त हो या चुस्त हो? भाई कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये चुस्त सुस्त क्या है। लगता है कुछ बच्चों को शायद चुस्त और सुस्त का मतलब नहीं आता। कोई बात नहीं, आज हम तुम्हें ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसे सुनकर तुम फैसला कर सकोगे कि तुम चुस्त हो या सुस्त। बच्चों, ये कहानी है गिरधर की। किसकी कहानी? गिरधर की। गिरधर नाम के एक लड़के की। बच्चों, गिरधर स्कूल हमेशा देर से पहुंचता था और देर से आने के कारण उसे अक्सर सजा जो मिलती थी। तुम तो जानते ही हो, जो बच्चा कक्षा में समय पर नहीं आता या अपना पाठ याद करके नहीं आता, उसे गुरुजी की डांट भी सुननी पड़ती है, है ना? गिरधर अपना पाठ कभी नहीं याद करता था और उसे गुरुजी की डांट सुननी पड़ती थी। वो देखो, सबसे पीछे बैठा लड़का सोच रहा है कि मैं उसी की बात कर रहा हूं। अरे भाई, मैं तुम्हारी नहीं, गिरधर की बात कर रहा हूं। तुम तो अच्छे बच्चे हो, तुम तो समय पर स्कूल आते हो, अपना पाठ याद करते हो, है ना? हाँ, तो बच्चों, गिरधर की आदत कुछ ऐसी बन गई कि वो हर काम सुस्ती से करता। उसे जो भी काम करने को कहा जाता, वो उसे टालने की कोशिश करता। अभी कुछ दिन पहले की बात है, स्कूल से छुट्टी के बाद जब गिरधर घर पहुंचा तो अंधेरा होने वाला था। एक तो गिरधर का गांव स्कूल से कुछ दूर था, दूसरे वो जगह जगह रुकता हुआ खेलता हुआ घर लौटता था, जबकि गिरधर के गांव के अन्य सभी बच्चे उससे बहुत पहले अपने अपने घरों में पहुंच जाते थे। घर पहुंचने पर पहले तो गिरधर ने पेट भर खाना खाया। उसके बाद मां ने उसे सुबह का चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी लाने को कहा, तो गिरधर चारपाई पर जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद मां ने गिरधर को दोबारा पुकार कर लकड़ी लाने को कहा, मगर उस पर कोई असर नहीं पड़ा। गिरधर चारपाई पर लेटे लेटे कहने लगा कि वो अभी थोड़ी देर में लकड़ियां ले आएगा। बच्चों, गिरधर चूंकि दिन भर खेलता कूदता रहता था, इसलिए वो बहुत थका हुआ था। चारपाई पर लेटने के थोड़ी ही देर बाद वो खर्राटे भरने लगा। कैसे?
जरा तुम भी खर्राटे भरकर दिखाओ। हाँ ऐसे ही होते हैं खर्राटे। अच्छा भाई तो आगे सुनो फिर क्या हुआ। गिरधर जब खर्राटे भर रहा था तो उसे एक आवाज सुनाई दी। गिरधर तुम बहुत सुस्त हो, देखो सुबह होने को है, पक्षी चहकने लगे हैं, मगर तुम अभी तक सो रहे हो। तुम समझते हो सुस्त पड़े रहने में बहुत आराम मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गिरधर उस आवाज को पहचानने की कोशिश कर रहा था, न जाने कहां से दूसरी आवाज भी आने लगी। ना 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 ना, तुम चुस्त की बातों में बिल्कुल ना आना गिरधर भैया। उसका बस चले तो किसी को आराम ही न करने दे। अब तो बच्चों गिरधर बहुत परेशान हो गया, क्योंकि दोनों आवाजें एक दूसरे की उल्टी बात कह रही थीं। पहली आवाज चुस्त की थी, वो चाहती थी कि गिरधर जल्दी उठे और वो उसकी तरह चुस्त बने, मगर दूसरी आवाज उसका उल्टा ही कह रही थी, वो सुस्त की जो थी। यूं भी गिरधर हर रोज देर से उठता था और धीरे धीरे अपना काम करता था, तभी तो उसे स्कूल जाने में अक्सर देर हो जाया करती थी। गिरधर को अभी भी चारपाई पर लेटा देख पहली आवाज ने फिर कहा। गिरधर भैया मैं तुम्ही से कह रहा हूँ, याद है कल शाम को माँ ने तुम्हें चूल्हे के लिए लकड़ी लाने को कहा था, उस समय तो तुम सुस्त बने रहे, यदि अब भी तुम लकड़ी नहीं लाओगे तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा। तभी गिरधर को दूसरी आवाज ने कहा। हा, हा, तुम लकड़ी लाने की चिंता मत करोगे, तुम नहीं लाओगे तो कोई और ले आएगा। इसके जवाब में पहली आवाज ने कहना शुरू किया। गिरधर भैया तुमने अजगर का नाम तो सुना होगा, इतना सुस्त होता है कि क्या बताऊं, घंटों तो क्या कई कई दिन तक अपनी जगह से नहीं हिलता। भैंस तो तुम्हारे घर के सामने ही बंधी है, मोटी मोटी काली काली, तुम तो जानते ही हो जब कभी उसे कीचड़ भरा पानी दिखाई दे जाए बस घंटों बैठी रहती है उसमें, सुस्त जो ठहरी। एक बात और बताऊं, सुस्त लोग जो होते हैं ना बहुत डरपोक और कमजोर भी होते हैं, जैसे कबूतर को ही लो, जहां बैठ जाए उड़ने का नाम नहीं लेता, कोई से कंकड़ मारे तो डरकर अपने आप को सिकोड़ लेता है मगर उड़ता नहीं, बेचारा सुस्त कबूतर। बच्चों गिरधर चुस्त और सुस्त दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था, इतने में दूसरी आवाज कहने लगी। अरे जा जा जा, चुस्त लोग ही कौन सा तीर मार लेते हैं। भैया गिरधर तुम आराम से सोते रहो। और इस पर पहली आवाज फौरन बोली। घोड़े को कभी किसी ने आराम से बैठे देखा है, वो हमेशा दौड़ने के लिए तैयार रहता है, चुस्त जो है इसलिए तो सबसे तेज दौड़ सकता है, और तो और हिरन भी तो अपनी चुस्ती के कारण ही इतना सुंदर लगता है और तेज भी भागता है। दूसरी आवाज का पलड़ा बच्चों हल्का पड़ने लगा था, इसलिए उसने चलते हुए कहा।
ठीक है भाई गिरधर, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहता। तुम्हें जिसकी बात अच्छी लगे उसी की मान लो। पहली आवाज के चले जाने के बाद भी दूसरी आवाज अपनी बात मनवाने के लिए डटी रही। और बच्चों, उसने गिरधर को एक कविता सुनाई। चुस्त सदा होते हैं पास और ना होते कभी उदास, इन बच्चों की यही निशानी, करते नहीं कभी मनमानी, काम न करते ढीले ढीले, रहते दिन भर ये फुर्तीले। ऐसे बच्चे अच्छे लगते, झटपट सुबह सुबह जो जगते। अच्छा बच्चों, इसके बाद बता सकते हो फिर क्या हुआ? सोचो, गिरधर ने चुस्त और सुस्त में से किसकी बात मानी होगी? भाई सुस्त तो वो पहले ही था, इसके बाद क्या हुआ? अच्छा चलो हम आगे की कहानी सुनाते हैं। हाँ तो बच्चों, दूसरे दिन सुबह जब गिरधर की माँ उठी तो उसे याद आया कि चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी तो घर में है ही नहीं। उसने कल शाम को गिरधर को लकड़ियां लाने के लिए कहा था, मगर वो लाया नहीं। इसलिए वो गुस्से में गिरधर को जगाने के लिए उसकी चारपाई के पास पहुंची। चारपाई के पास जाकर वो हैरान हो गई, क्योंकि चारपाई तो बच्चों खाली पड़ी थी। अब गिरधर की मां डर गई कि उसका बेटा कहां गया होगा। इतने में गिरधर के पिताजी भी उठ गए। अभी गिरधर के माता पिता उसके बारे में सोच ही रहे थे कि वो सामने से आता हुआ दिखाई दिया। भाई गिरधर के सर पर लकड़ियों का गट्ठर रखा था। गिरधर के माता पिता उसे सुबह सुबह जंगल से लकड़ियां लाते देख बहुत खुश हुए। उसके पिता ने लकड़ियों का गट्ठर नीचे उतरवाया और मां ने गिरधर को गले से लगाते हुए कहा कि आज से उसका बेटा चुस्त हो गया है। तो बच्चों, ये थी सुस्त गिरधर के चुस्त बनने की कहानी। अब तो तुम सभी कहोगे कि हम चुस्त हैं, हाँ, सुस्त नहीं है। अरे भाई ठीक ही तो है, हम सबको चुस्त होना चाहिए, सुस्त नहीं। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।